नमस्कार दोस्तों, आज हम तीन स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, वोल्टास, हैवेल्स और वीगार्ड। तो ये तीनों ही स्टॉक्स मेनली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में डील करते हैं। तो आज हम देखेंगे इनमें क्या न्यूज़ चल रही है, ब्रोकर के टारगेट्स को देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और चार्ट के माध्यम से इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर अलग अलग पैन नंबर से आपके पास अकाउंट्स होंगे तो आगे आने वाले IPO में आपके सब्सक्रिप्शन की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, हम SEBI रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों, अगर मैं हैवेल्स का रिजल्ट देखूं जो कि पिछले महीने आया था, तो मैं देखूंगा इनकी जो प्रॉफिट है वो करीब 75% की इन्होंने राइज दिखाई थी। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स इनके आए थे, रेवेन्यू भी इनका बढ़ा था, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स आए थे हैवेल्स के। अगर दोस्तों मैं इनके चार्ट्स देखूं, तो इसमें देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस बनाई हैं। तो पहली वाली जो ट्रेंड लाइंस बनाई है उसके तो ये बहुत ही ऊपर चल रहा है। जो ये दोस्तों मैंने दूसरी ट्रेंड लाइन बनाई है उसके अभी ये सपोर्ट के आसपास चल रहा है, 1128 के आसपास। तो मेरा मानना है आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसका शॉर्ट टर्म चार्ट भी देख लेता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसको इस प्राइस पे बाई कर सकते हैं। और ये वाला दोस्तों जो इसका एरिया है 1050 से 1025, ये एरिया आपका आ रहा है 1030 के आसपास का। तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चल सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको, इसके नीचे इसका स्टॉप लॉस रखिएगा। टारगेट 1 दोस्तों हम जो इसमें देख रहे हैं वो 1225 रुपये का देखेंगे, और टारगेट 2 हम कुछ ऐसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट हाँ 1400 तक इस स्टॉक में जाने की कुवत है अगले 6 महीने में, क्योंकि कंपनी आप सभी को पता है बहुत शानदार है। और अगर आप देखेंगे बाहर मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 साल के कंपेरिजन में अब हैवेल्स के प्रोडक्ट्स की काफ़ी वैल्यू बढ़ गई है, चाहे वो गीजर हो इनका, चाहे RO हो। तो आप देखेंगे कि हैवेल्स बहुत तेज़ी से काफ़ी अच्छे से मार्केट कैप्चर कर रहा है। जो इसका प्रेजेंट एरिया है वो काफ़ी इनका सपोर्ट की तरह भी बिहेव कर चुका है, अगर मैं इसका शॉर्ट टर्म का 3 मंथ्स का चार्ट देखूं आवर्ली टाइम फ्रेम पे। तो हमने जो अभी डिस्कशन किया है उसको एक बार मैं समराइज कर लेता हूं। इसको दोस्तों आप बाई एट CMP कर सकते हैं। टारगेट इसमें दोस्तों जो आपको रखना चाहिए 1225 प्लस टिल आप 1400 तक का टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है उसका एरिया आपको रखना है 1030 के नीचे, तो 1025 मेरे ख्याल से ठीक स्टॉप लॉस इसमें रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम इसमें थोड़े से इंडिकेटर्स और देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बार इसकी RSI चेक कर लूँ, अलग अलग टाइम फ्रेम से हम चेक करेंगे। अभी की अगर मैं 3 मंथ की RSI करूँ तो ये ओवरसोल्ड जोन के एकदम पास है, बट अगर मैं 6 मंथ की RSI देखूँ तो ये अभी ना ओवरसोल्ड में है ना ओवरबॉट जोन में है। एक बार दोस्तों हम इसके MACD को भी देख लेते हैं। MACD के हिसाब से 6 मंथ्स में तो ये अभी डाउनफॉल में जा रहा है दोस्तों, बट अगर हम 3 मंथ्स में देखेंगे तो भी आप देखिए ये बेयरिश क्रॉसओवर के ही नीचे चल रहा है। बट क्योंकि प्राइस में यहाँ पे सपोर्ट है अच्छा, तो आप या फिर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा वेट करना तो आप इसमें इसको थोड़ा सा क्रॉस होने दीजिए 1.5% की, इसमें जब ये रिवर्सल दिखाए सपोर्ट से आप तब इसे खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड की बात करूँ तो ये देखिए 3 मंथ के चार्ट में अपने बॉलिंगर बैंड के एकदम लोअर लेवल के सपोर्ट के आसपास है, और 6 मंथ के चार्ट में ये अपने बीच में है ऑलमोस्ट। तो ये तो ही दोस्तों हमारी एनालिसिस हैवेल्स को लेके। आइए अब हम वीगार्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वीगार्ड के भी दोस्तों रिजल्ट्स ठीक रहे थे, 3 फरवरी को अनाउंस हुए थे। इनकी प्रॉफिट भी, इनके रेवेन्यू जंप हुआ था 32% के आसपास का पिछले क्वार्टर के हिसाब से, और प्रॉफिट इनकी 77% की बढ़ गई थी, 44 करोड़ से 78 करोड़ हो गई थी। तो ओवरऑल वीगार्ड के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे थे, और अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने रिसेंट में काफ़ी अच्छी तेजी भी दिखाई है। ये देखिए ये इनके प्रॉफिट्स के था। और अगर दोस्तों मैं इनमें टारगेट्स की बात करूं
तो शेर खान ने इन्हें 4 फरवरी को, जब इसकी प्राइस 250 थी, तो 311 कट तक का टारगेट दिया था। तो इससे पता चलता है कि शेर खान इसको लेके काफ़ी बुलिश है, बाकी ब्रोकर्स ने इसमें काफ़ी टाइम से टारगेट्स नहीं दिए हैं। अगर दोस्तों मैं इसमें चार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बहुत टाइम तक इसने एक्यूमुलेशन किया था 160 से 180 के, तो ये 10% की रेंज में आप मान के चलिए ये अप्रैल से लेके आपके दिसंबर तक चलता रहा था, ये बहुत लंबे टाइम तक एक्यूमुलेट किया था। और गिरने के बाद भी जहाँ सारे स्टॉक्स डबल हो चुके थे उस टाइम में, उस हिसाब से इस स्टॉक में उतनी तेज़ी पेंडिंग थी। तो इसमें जैसे ही इसने फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो बेहतरीन ब्रेकआउट दिया, 250 तक गया और फिर अभी गिरा है। तो दोस्तों अभी जो इसका एरिया है, ये मेरे हिसाब से ना ही आपके लिए बाइंग एरिया है ना ही सेलिंग एरिया, ये नो ट्रेडिंग एरिया है। इसका दोस्तों जो बाइंग एरिया बढ़िया रहेगा उसके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म चार्ट देखना चाहूँगा। तो दोस्तों ये जो इसकी लाइन है 220 के आसपास, ये इसके लिए बढ़िया बाइंग लेवल रहेगा। आप यहाँ 220 के आसपास खरीद सकते हैं। 210 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए था, लगाइएगा 207 या 208 रुपये का, वहाँ पे अभी के हिसाब से आपको 213 के आसपास 50 डे का मूविंग एवरेज है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा 50 डे के मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब से इसने अप ट्रेंड दिखाया है ये 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ही हमेशा चला है। अगर दोस्तों मैं इसमें और इंडिकेटर्स लगा लूँ, RSI अगर मैं लगा लूँ, तो RSI दोस्तों 6 मंथ्स में ना ही ओवरसोल्ड ना ही ओवरबॉट में है, और 3 मंथ्स में भी ये ना ओवरसोल्ड ना ओवरबॉट मोड में है। आप दोस्तों इसमें बॉलिंगर बैंड भी देख सकते हैं, बॉलिंगर बैंड दोस्तों ये 3 मंथ्स में अगर मैं देखूं, तो ये अपने जो नीचे वाला, एक मिनट में मूविंग एवरेज हटा दूं ताकि कोई कंफ्यूजन हो, तो नीचे वाले एरिया के ही पास है, और 6 मंथ्स की मैं बात करूं तो ये अपने मिडिल के पास है। तो काफ़ी हद तक सेम सीन है जो कि इसके हैवल्स में हमें देखने को मिली थी इसको लेके, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी हमें इसमें थोड़ा सा करेक्शन का और वेट करना चाहिए खरीदने से पहले। MACD भी एक बार देख लेते हैं, MACD भी दोस्तों इसका 6 मंथ्स में भी अभी बेयरिश क्रॉसओवर ही चल रहा है, और 3 मंथ्स में भी इसका बस जस्ट बेयरिश क्रॉसओवर इसका स्टार्ट हुआ है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपको 1.5% या 3-4% तक का करेक्शन ये आपको और दे सकता है, हाई चांस है इसकी रिवर्सल से पहले, क्योंकि उसी के बाद इसका सपोर्ट आएगा। अगर दोस्तों मैं इसके टारगेट्स की बात करूं, तो जो आप फर्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चल सकते हैं वो 250 के आसपास का लेके चल सकते हैं। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये 250 का लेवल वैसे भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 250 इसका लाइफ टाइम हाई के पास पास है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमेशा 250 के आसपास आके रुक जा रहा है। तो आप 250 के ऊपर ये स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह हमारा फ्लाई कर सकता है 300 तक के टारगेट्स के लिए, अगर 250 का लेवल इसने तोड़ा तो। आइए दोस्तों अब जो हमने डिस्कशन किया उसको एक बार मैं समराइज कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसको दोस्तों आप बाई कर सकते हैं, बाई अराउंड 220, स्टॉप लॉस लगाइएगा बिलो 210, और टारगेट 1 आप इसमें लेके चल सकते हैं 250, और टारगेट 2 आप इसमें 300 तक के टारगेट देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गया, स्टॉप लॉस बिलो 210 रहेगा, टारगेट 1 250 और टारगेट 2 आप इसमें 300 तक के लेके चल सकते हैं। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों वीगार्ड को लेके। अब आइए हम लोग थोड़ा सा वोल्टास को एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों वोल्टास की भी प्रॉफिट भी 46% की बढ़ोतरी दी थी, तो इन तीनों ही स्टॉक्स ने अपने जो रिजल्ट पोस्ट किए थे, इसने अपने रिजल्ट अभी पिछले हफ्ते पोस्ट किए वोल्टास ने, तो तीनों ही कंपनीज अपने रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे पोस्ट किए थे। तो इससे पता चलता है कि कोरोना का जो भी इम्पैक्ट था वो एटलीस्ट इन तीन कंपनीज में तो हमारे हट चुका है, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए और ये तीनों ही कंपनीज काफ़ी ग्रोइंग कंपनीज है। वोल्टास तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, आप लोग को पता ही होगा, और AC में तो इंडिया का इनका टॉप कंपनीज में आती है ये। MK ग्लोबल ने दोस्तों इसको 17 फरवरी को टारगेट दिया था 1100 रुपये का होल्ड कैटेगरी के साथ। ये दोस्तों अब मैं अदर ब्रोकरेज हाउसेस का भी इसमें चेक कर लेता हूँ कि क्या सीन चल रहा है। तो 16 फरवरी को ICICI डायरेक्ट ने इसे 1260 का टारगेट किया दिया था, दौलत कैपिटल ने 15 तारीख को इसमें 1260 का टारगेट दिया था। तो मोर और लेस इसमें लोग सारे 1200 तक के आसपास के टारगेट्स एम करके चल रहे हैं। क्या चार्ट पे भी ये सपोर्ट होता है, आइए इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने 6 मंथ्स के चार्ट देख रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ ट्रेंड लाइन्स ये बनाई है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये इसके अभी एकदम पास में है, और ये थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट टर्म पे जाएंगे
ये देखेंगे ये एरिया एक बार, और यहाँ पे अभी सपोर्ट की तरह हो सकता है बिहेव कर ले, क्योंकि पास्ट में ये एरिया एक बार इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव कर चुका है। तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे खरीदने का सोच सकते हैं। जो स्टॉप लॉस लगाइएगा दोस्तों, वो 910 रुपये के नीचे का लगाइएगा, 918 पे के आसपास सपोर्ट है, तो 910 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें बढ़िया रहेगा। वहाँ पे इसको थोड़ा सा दोस्तों 50 डे के मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल जाएगा, और जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी इसे मिल रहा है वो भी आप कह सकते हैं कि 905 रुपये के आसपास मिल रहा है, अगर ये मैं थोड़े से लंबे ट्रेंड लाइन के आसपास की बात करूँ। टारगेट वन दोस्तों हम जो इसमें लेके चल सकते हैं वो दोस्तों मैं 1100 के आसपास का लेके चलना चाहूँगा, और टारगेट टू के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में इसको देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ इनवैलिड सिंबल ये बता रहा था, पता नहीं क्यों। टारगेट टू ऐसे तो चार्ट से कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये इसका एकदम आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई है, बट जो कि हमारे ब्रोकर्स ने टारगेट दिया है 1250 के पास के, हमको वही लेके चलना चाहिए। अगर दोस्तों मैं इसमें अदर इंडिकेटर्स की बात करूँ कि तो मैं इसको एक बार चेक कर लेते हैं। RSI देख लेते हैं दोस्तों इसकी एक बार, RSI के हिसाब से 6 मंथ्स में ना ये ओवरसोल्ड ना ओवरबॉट में है, और 3 मंथ्स में ये ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही चल रहा है। और जो हमारे फेवरेट इंडिकेटर्स होते हैं MACD, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। MACD के हिसाब से दोस्तों अभी इसमें कोई वैसी खास क्लियर पिक्चर एकदम नहीं आ रही है। और दोस्तों और जो हमारा और फेवरेट इंडिकेटर है बॉलिंगर बैंड, उसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पे अपने लोअर लेवल के पास है 3 मंथ चार्ट पे, और 6 मंथ चार्ट पे ये मिडिल एरिया के आसपास है। तो दोस्तों तीनों ही स्टॉक्स मोर और लेस आप कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स के हिसाब से काफ़ी सिमिलर पिक्चर दे रहे हैं, बॉलिंगर बैंड, RSI और MACD के हिसाब से, बट जो मेजर डिफरेंस है वो प्राइस और टारगेट्स में है। तो इसीलिए हमें काफ़ी कुछ कंबाइन करके हम एनालिसिस करते हैं, और वो डिटेल्ड एनालिसिस हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि हमारी कोशिश रहती है आप भी सीखें कि कैसे एनालिसिस करते हैं। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उसके 5 से 10 मिनट उसके चार्ट्स में एक बार जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप टाइम देंगे उस पैसे के लिए तो सही रहेगा। किसी की बात सुन के आप मत लगाइए, आप खुद देखिए कि चार्ट्स पे क्या कह रहे हैं। आप चार्ट्स रिकमेंडेशन दूसरे लोगों के जरूर देख सकते हैं, बट आप फाइनली अपने ही मन से डिसीजन लिया करिए, और आप उसमें सेटिस्फाई है कि नहीं वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। क्योंकि अगर आप दूसरों के हिसाब से लेंगे तो स्टॉक आपके डायरेक्शन में अगर 1% भी नहीं घूमेगा तो आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे।